मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। आज हम एसपी का फिफ्थ चैप्टर डिपॉजिट उसको आज आगे बढ़ाने जा रहे हैं और आज हम टॉपिक क्या कवर करने वाले हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। तो पिछले बार में मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि डिपॉजिट मतलब क्या होता है। डिपॉजिट होता है एक प्रकार का लोन जो हम पब्लिक से लेते हैं, राइट। ये हमने कवर कर लिया था। फिर हमने देखा था कि कौन सी कंपनी डिपॉजिट का पैसा ले सकती है और उसमें हमने देखा था एलिजिबल कंपनी, थोड़ा सा एक नया टॉपिक था, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और एलिजिबल कंपनी। एलिजिबल कंपनी किसको कहते हैं हम लोग? एलिजिबल कंपनी जिसका नेटवर्थ सबसे मतलब कम से कम 100 करोड़ होना चाहिए और जिसका टर्नओवर कम से कम 500 करोड़ होना चाहिए, वो कंपनी वहाँ पे था। इसका मतलब था एलिजिबल कंपनी, वो भी डिपॉजिट ले सकते हैं। और फिर एक प्राइवेट था और एक पब्लिक था, ठीक है। आज हम लोग कवर करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन और उसमें सबसे पहला पॉइंट आ रहा है प्राइवेट कंपनी। क्या टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट प्राइवेट कंपनी के लिए क्या होगा? मतलब अगर प्राइवेट कंपनी को डिपॉजिट का पैसा लोन के रूप में लेना है तो उनको कौन से टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करने पड़ेंगे। इसमें एग्जैक्टली रेशियो दिया है कि कितना परसेंटेज कंपनी डिपॉजिट का पैसा पब्लिक से ले सकती है। फर्स्ट पॉइंट में प्राइवेट कंपनी में आपको दिया है कि प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर और डायरेक्टर और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर। मतलब मेंबर से ले सकते हैं, डायरेक्टर से लेते हैं और डायरेक्टर के रिलेटिव से भी ले सकते हैं। और कितना? एंड नॉट मोर देन 100% ऑफ द एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। मतलब कंपनी के पास जितना टोटल कैपिटल होगा, पेड अप कैपिटल की बात हो रही है, मतलब जिस शेयर का पैसा आपके पास आ चुका है उसको पेड अप कैपिटल कहते हैं, और जो रिजर्व का पैसा है जो कंपनी ने जमा करके अलग से कंपनी रखती है, वो जो रिजर्व है जनरल रिजर्व जिसको हम लोग अकाउंटिंग में कहते हैं, उन दोनों को आप ऐड कर लो। समझ लो 1,00,000 रुपीज उसका ऐड होकर आता है, ठीक है। अगर उसका 1,00,000 रुपीज ऐड होकर आता है तो उसका 100%, इसका मतलब 1,00,000 रुपीज अगर आपके पास टोटल पेड अप कैपिटल है और रिजर्व है तो उतना ही पैसा आप डिपॉजिट के रूप में ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। ये कहना है प्राइवेट कंपनी के लिए। हाउएवर इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में कंपनी एक्ट में जिन कंपनी के नाम दिए हैं वो लोग इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। मतलब कुछ एक्सेप्शंस केसेस हैं जो कंपनी एक्ट में हैं वो लोग इससे ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन क्या है, आप 100% तक फ्री रिजर्व का पैसा और टोटल पेड अप कैपिटल का पैसा, उसका 100% आप डिपॉजिट का पैसा पब्लिक से लोन के रूप में ले सकते हो, ठीक है। और आपको ये याद होना चाहिए कि डिपॉजिट हम मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 36 मंथ तक सिर्फ ले सकते हैं। मतलब उस पैसे को हम इतने महीने तक यूज करेंगे, मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा यूज नहीं करेंगे। और बदले में क्या देंगे? इंटरेस्ट पे करने वाले हैं। तो ये प्राइवेट कंपनी के लिए था पॉइंट। बी पॉइंट किसके के लिए कहा गया है? बी पॉइंट है पब्लिक कंपनी के लिए, और वो भी कौन सी कंपनी? अदर देन एलिजिबल, मतलब एलिजिबल कंपनी को छोड़कर पब्लिक कंपनी कितना पैसा ले सकते डिपॉजिट के रूप में, ये भी देख लेते हैं सेकंड पॉइंट में। और उसमें आपको लिखा है दिस कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर इफ द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट टुगेदर विद द डिपॉजिट एक्सीड। मतलब अगर पुराना कोई डिपॉजिट आपने लिया होगा, ठीक है, पुराना कोई पिछला डिपॉजिट कंपनी ने लिया होगा और उसका मिलाकर अगर 25% से ज़्यादा पेड अप कैपिटल, 25% से ज़्यादा, इसका मतलब आप इश्यू नहीं कर सकते। यहाँ पे ये बात आ रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है सेकंड पॉइंट में? तो जो आपका सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट ये कहता है एग्जैक्टली कि पब्लिक कंपनी के लिए अदर देन एलिजिबल, तो पब्लिक कंपनी के लिए क्या पॉइंट दिया है? दिस कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर इफ द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट टुगेदर विद द प्रीवियस डिपॉजिट एक्सीड 25% ऑफ द एग्रीगेट पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। मतलब आप डिपॉजिट का पैसा, ये जो कंपनी है पब्लिक कंपनी, ये डिपॉजिट का पैसा कब नहीं मंगा सकती, कब नहीं पब्लिक से लोन ले सकती है? अगर इनका पिछला डिपॉजिट का पैसा जो लिया है लोन के रूप में, ठीक है, और वो अगर 25% से ज्यादा अगर हो गया, किसका 25% से ज्यादा? टोटल पेड अप कैपिटल और रिजर्व, इससे अगर ज्यादा हो जाता है तो ये लोग डिपॉजिट का पैसा कॉल नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर 25% से कम रहा तो आप ले सकते हो। पिछला डिपॉजिट जो आपने इशू किया था वो अगर 25% से कम है तो आप पैसा रेज कर सकते हो, और अगर उससे ज्यादा है
या फिर उससे ज़्यादा रहा तो आप नहीं ले सकते। इसका मतलब यहाँ पे लिमिटेशन उनके लिए 25% मैक्सिमम है, आप 25% से ज़्यादा डिपॉजिट का पैसा कॉल डिपॉजिट के रूप में नहीं ले सकते। ये पब्लिक कंपनी के लिए दिया था, वो भी अदर देन एलिजिबल कंपनी। और एलिजिबल कंपनी के लिए आपको दो पॉइंट दिए हैं, एलिजिबल कंपनी में आपको दो तरीके से दिए, फ्रॉम मेंबर्स और फ्रॉम पब्लिक। तो मेंबर के लिए क्या दिया है, मेंबर के लिए कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट इफ अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट टुगेदर विद प्रीवियस डिपॉजिट इज 10%। मतलब अगर 10% से ज्यादा हुआ आपका पिछला डिपॉजिट तो आप मेंबर से भी पैसा नहीं ले सकते। सिंपल, समझ में आ रहा है पॉइंट? मतलब मेंबर से आप डिपॉजिट का पैसा कम नहीं ले सकते अगर आपका पिछला डिपॉजिट 10% से ज्यादा रहा। तो किसका 10% से ज्यादा? टोटल पेड अप कैपिटल और रिजर्व। जैसे मेरा टोटल पेड अप कैपिटल है आपका रिजर्व मिलाकर 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए का 10% कितना होगा? 10,000। अगर मैंने 10,000 पहले से लेके रखा होगा तो मैं डिपॉजिट का पैसा मेंबर से नहीं ले सकता। डिपॉजिट की बात हो रही है, राइट? और फिर पब्लिक से हम कब नहीं ले सकते? वहां पे क्राइटेरिया 25% का। अगर आपने पिछला डिपॉजिट का जो पैसा लिया था उसका अमाउंट 25% के ऊपर रहा, पेड अप कैपिटल और रिजर्व का मिलाकर उसके ऊपर गया, तो आप नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका 1,00,000 रुपए टोटल पेड अप कैपिटल और रिजर्व था और आपने उसका 25% ऑलरेडी डिपॉजिट का पैसा मंगवा लिया है, मतलब 1,00,000 का 25%, मतलब 25,000 अगर आपने डिपॉजिट का ऑलरेडी ले लिया होगा तो आप दोबारा डिपॉजिट इशू नहीं कर सकते और लोन नहीं ले सकते। और अगर उससे कम होगा तो इसका मतलब आप ले सकते हो। सिंपल सी बात यहाँ पे बोली जा रही है, मेंबर्स का 10% मैक्सिमम है और पब्लिक के लिए 25% है। अगर इन दोनों से कम रेशियो रहा तो आप ले सकते हो और अगर इतना रहा तो आप नहीं ले सकते। ये लिमिटेशन वहाँ पे दी गई है, ये टर्म्स एंड कंडीशन है डिपॉजिट का पैसा पब्लिक से लेने के लिए। वो भी किसके लिए था ये पॉइंट? एलिजिबल पब्लिक कंपनी। और एलिजिबल मैंने पहले ही समझा दिया कि एलिजिबल कंपनी किसको कहा जाता है, ठीक है? डी पॉइंट क्या कहता है उसमें? गवर्नमेंट कंपनी। अब गवर्नमेंट कंपनी के लिए वहां पे दिया है 35% तक। इसका मतलब कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक नॉट एक्सीडिंग 35%। 35% किसका? वही पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व। आपके पास पेड अप कैपिटल और रिजर्व समझ लो 1,00,000 रुपए है, उसका आप 35% तक पैसा ले सकते हो डिपॉजिट के रूप में, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। ये गवर्नमेंट कंपनी के लिए पॉइंट दिया है, ठीक है? तो ये था लिमिटेशंस, जो एक रेशियो देके रखा है उन्होंने, उस रेशियो से ज्यादा आप नहीं ले सकते। ये रूल रेगुलेशंस है, ये टर्म्स एंड कंडीशन है डिपॉजिट का पैसा लेने के लिए। तो यहाँ पे 4 पॉइंट आपको दिए थे, प्राइवेट, पब्लिक, एलिजिबल एंड गवर्नमेंट कंपनी। इन चारों के लिए लिमिटेशंस वहां पे पहले से डिसाइडेड है, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा इन सारे कंपनियों को, ठीक है? तो ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट था, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कितना ले सकते हैं। सेकंड पॉइंट है टेन्योर। अब टेन्योर तो आपको पहले से ही पता है, मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 36 मंथ। तो ये नॉर्मल कंडीशन है जो डिपॉजिट का पैसा आप कितने मंथ तक ले सकते हो। तो मिनिमम सेकंड लाइन में देखो लिखा है डायरेक्टली कि मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 36 मंथ। लेकिन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट रीपेबल अर्लियर 6 मंथ टू मीट द शॉर्ट टर्म नीड एंड सच डिपॉजिट हैव टेन्योर मिनिमम 3 मंथ एंड अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट कैन नॉट मोर देन 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल। अब यहां पे क्या बोला जा रहा है कि कुछ केसेस में कंपनी क्या कर सकती है, रिपेबल के पहले, वहां पे क्या बोला जा रहा है, जब पैसा रिपेबल होने की बारी आ रही है तो उसके पहले ही कंपनी क्या कर सकती है, शॉर्ट टर्म नीड को अपना पूरा कर सकती है। मतलब उनको कह सकती है कि भाई हमें और टाइम पीरियड चाहिए आपको पैसे लौटाने के लिए, तो हमें और टाइम पीरियड यूज करना है, तो इसका मतलब रिन्यूअल हो सकता है, हम टाइम पीरियड को और एक्सटेंड करवा सकते हैं उनसे पूछकर। लेकिन वो जो रिन्यूअल होगा वो कितना नहीं होना चाहिए, 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब पूरे पैसे जितने लिए थे आपने उन सब का रिन्यूअल नहीं कर सकते, सिर्फ 10% तक आप कर सकते हो, ठीक है? तो ये बात वहाँ पे बोली जा रही है। और कंपनी में ऑल्सो रिन्यू डिपॉजिट विद द सेम टर्म ऑफ इश्यू एंड विल बी कंसिडर्ड एज फ्रेश डिपॉजिट। मतलब जैसे मैंने आपसे समझ लो पैसा लिया, ठीक है, समझ लो 1,00,000 रुपीज मैंने डिपॉजिट का पैसा, मैं कंपनी चलाता हूँ, मैंने आपसे डिपॉजिट का पैसा लिया 6 महीने के लिए,
मिनिमम, ठीक है। 6 महीने जब आने लगे, 5वें महीने में मैंने आपको लेटर भेजा और मैंने कहा 6 महीने के लिए तो टाइम पीरियड खत्म होने जा रहा है, और 6 महीने के लिए मुझे यूज करने दो आपका पैसा। और अगर आप रेडी हो जाते हो तो क्या होगा, मैं आपको फ्रेश डिपॉजिट रिसिप्ट इशू करूंगा और आपका टाइम पीरियड और बढ़ जाएगा। अगर आप रेडी होंगे तो अगले 6 महीने के लिए मैं और यूज कर लूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, डिपॉजिट का जो टाइम पीरियड था वो और रिन्यू हो गया और आगे बढ़ गया, और फिर कंपनी को मौका मिल गया और 6 महीने उसको यूज करने के लिए। ये फायदा फिर कंपनी का हो जाएगा, और डिपॉजिटर का फायदा क्या होगा, उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो रिन्यूअल किया जा सकता है, ऐसा कहना है कुछ सरकमस्टांस, मतलब कुछ सिचुएशंस में, कुछ सर्कमस्टांसेस में उसको रिन्यू किया जा सकता है। चलो ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, नॉन डिमांड डिपॉजिट। मतलब कंपनी जब डिपॉजिट का पैसा, जैसे हम लोग अभी एग्जांपल देख रहे थे ना कि मैंने आपसे पैसा लिया 6 महीने के लिए और आप बोलते हो 1 महीने के अंदर वापस कर दो, नहीं होगा। 1 महीने के अंदर कंपनी वापस आपको नहीं करेगी, मतलब ऑन डिमांड रिपेबल नहीं होता। थर्ड पॉइंट ये कहता है, आपने पैसे तुरंत डिमांड किए, मैं तुरंत आपको रिपेबल नहीं करूंगा। जब तक उसका प्रॉपर टाइम पीरियड ना आ जाए, टेन्योर ना आ जाए, तब तक मैं पैसे आपको रिटर्न नहीं करूंगा। ये बात वहां पे है, मतलब ये डिमांड डिपॉजिट नहीं है कि आपने जमा किया, जब जरूरत पड़ी आपने मांग लिया और मैंने आपको दे दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये था आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। क्या कंपनी यहाँ पे सिक्योर और अनसिक्योर डिबेंचर इशू कर सकती है क्या? यस, कर सकती है। कंपनी कैन एक्सेप्ट सिक्योर और अनसिक्योर डिपॉजिट विच शुड बी क्लियरली मेंशन इन द सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट। करना तो है, लेकिन आपको सारी बातें पहले से एडवर्टाइजमेंट में डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कि हम किस प्रकार का डिपॉजिट इशू कर रहे हैं। मतलब आपको पहले से क्लियर रखना पड़ेगा ये पॉइंट कि हाँ भाई, हम सिक्योर्ड डिपॉजिट इशू कर रहे हैं कि अनसिक्योर्ड डिपॉजिट इशू कर रहे हैं, और ये बात आपको एडवर्टाइजमेंट में पहले से मेंशन करनी होगी। और अगर आप पहले से मेंशन कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप मेंशन नहीं करोगे तो आप इशू नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात वहां पे बोली जा रही है। और साथ में इट हैज टू बी क्रिएट चार्ज ऑन एसेट, चार्ज ऑन एसेट होना चाहिए। चार्ज ऑन एसेट मतलब क्या, आपने कुछ ना कुछ एसेट गिरवी रखा होना चाहिए, और वो भी 30 डेज के अंदर एक्सेप्टेंस के आपको वो एसेट गिरवी रखने पड़ेंगे। ये था आपका फोर्थ पॉइंट। तो इसका मतलब कंपनी इशू कर सकती है, लेकिन आपको पहले से डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और कुछ नहीं। फिफ्थ पॉइंट की ओर आते हैं फटाफट। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, एप्लीकेशन फॉर्म। तो कंपनी हैज टू प्रोवाइड एप्लीकेशन फॉर्म एंड इट शुड कंटेन अ डिक्लेरेशन बाय द एप्लीकेंट दैट द डिपॉजिट इज मेकिंग नॉट मेड आउट ऑफ एनी मनी बोरो बाय हिम फ्रॉम अनदर पर्सन। इसका मतलब जब मैं आपसे डिपॉजिट का पैसा ले रहा हूं, मैं कंपनी चलाता हूं, मैं आपसे लोन का पैसा ले रहा हूं डिपॉजिट के रूप में, तो मुझे आपसे क्लियरेंस चाहिए, ठीक है। क्या क्लियरेंस चाहिए, कि आपने वो पैसा किसी और से नहीं लिया होगा, वो आपका खुद का पैसा होना चाहिए। मतलब अगर मैं आपसे ले रहा हूं तो वो आपका पैसा खुद का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने किसी और से लोन लिया था और लोन लेकर मुझे पैसा दिया है, ये बात नहीं होनी चाहिए। मतलब कंपनी को जो पैसा दे रहा है डिपॉजिटर, वो उसका खुद का होना चाहिए, और ये लिखित रूप में मुझे आपसे कंसर्न लेना पड़ेगा, लिखित रूप में आपको मेंशन करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, कंपनी को लिख कर देना पड़ेगा, तब कंपनी आपसे पैसा ले सकती है। ये भी टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है। तो सिक्स पॉइंट क्या कहता है उसको देखते हैं, ज्वाइंट नेम। कंपनी क्या ज्वाइंट नेम से डिपॉजिट का पैसा ले सकती है क्या? हाँ ले सकती है ना। कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट इन ज्वाइंट नेम बट देयर इज शुड नॉट बी मोर देन 3। अब ज्वाइंट नेम मतलब क्या, जैसे आप हो और आपकी वाइफ, ठीक है, तो आप दोनों के नाम पे मैं डिपॉजिट का पैसा एक्सेप्ट कर सकता हूँ। ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों के नाम पे हम डिपॉजिट का पैसा एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब आपने 1,00,000 रुपए दिया है, लेकिन वो 1,00,000 रुपए सिर्फ आपके नाम पे नहीं होगा, वो 3 लोगों के नाम पे हो सकता है, उसी को कहा गया है ज्वाइंट नेम, ठीक है। तो डिपॉजिट जो आपको रिसिप्ट मिलेगा उसमें तीनों का नाम होगा, उसमें तीनों की ओनरशिप है, तीनों को ब्याज। अब तीनों को ब्याज अलग अलग नहीं मिलेगा, ब्याज तो कंपनी एक ही बार देगी, नहीं तो आप सोच रहे होंगे यार 3 नाम होगा तो 3 बार ब्याज मिलेगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ डिपॉजिट का जो पैसा दिया उसके होल्डर 3 नाम होंगे और उसके अलावा कुछ नहीं। चलो ठीक है, 6 पॉइंट ये था। 7 पॉइंट क्या कहता है, नॉमिनेशन। तो क्या कंपनी को नॉमिनेशन भी डिसाइड करना होगा? ऑफ कोर्स पहले ही डिसाइड कर लेना होता है, क्योंकि फॉर्म भरते समय आपका नॉमिनी का नेम देना पड़ेगा। क्यों? जैसे आपने डिपॉजिट का पैसा कंपनी को दिया और अगर आपको कुछ हो जाए
तो वो पैसा फिर किसको दिया जाएगा रिटर्न? आपके किसी ना किसी रिलेटिव को, आपके घर वालों को, फैमिली मेंबर्स को, जिसका नाम आपने फॉर्म में लिखा होगा, ठीक है, जिसका नाम आपने फॉर्म में लिख दिया होगा, उसको वो पैसे कंपनी रिटर्न करेगी। इसी को नॉमिनी कहते हैं। मतलब आपको कुछ हो गया तो आपके भी आपने आपके फैमिली मेंबर को पैसा रिटर्न किया जाएगा, इसी को नॉमिनेशन कहा जाता है। तो एवरी डिपॉजिटर एट एनी टाइम हैज राइट टू नॉमिनेट एनी पर्सन नॉमिनी इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द डिपॉजिटर। मतलब डिपॉजिटर जो पैसा कंपनी को देता है, जैसे आपने मुझे दिया, तो आपके पास वो पूरा राइट है कि आप किसी को भी नॉमिनी कभी भी बना सकते हो, ठीक है। ये डिपॉजिटर के पास ऑप्शन होता है। और नॉमिनी बनाना सेफ होता है, क्यों? क्योंकि अगर उस डिपॉजिटर को कुछ हुआ तो उसका पैसा उसके फैमिली मेंबर को कम से कम वापस मिलेगा, इंटरेस्ट का पैसा भी उसके फैमिली मेंबर को वापस मिल जाता है। तो ये करना बहुत अच्छी बात है। 8 पॉइंट की ओर आते हैं। 8 पॉइंट क्या कहता है? देखिए, इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, 20 पॉइंट्स आपको दिए हैं, ठीक है। 20 पॉइंट्स है तो एक वीडियो में तो कवर होगा नहीं, तो हम लोग इस वीडियो में मैक्स टू मैक्स 10 कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका कंटिन्यू मिलेगा। तो 8 पॉइंट है सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट। सर्कुलर मतलब नोटिस, और एडवर्टाइजमेंट मतलब जो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना है उसके बारे में है। तो क्या कंपनी इसका एडवर्टाइजमेंट करती है? हाँ, करती है ना। उसमें क्या क्या बातें लिखी रहेगी? इसमें बहुत सारे पॉइंट आपको हैं। If a company invite deposit from member, it issues circular, but it is invite from public, company has to issue an advertisement. Public से जब आप issue करते हो तो advertisement देना होगा, और अगर आप private तरीके से issue करते तो आपको circular issue करना होगा। तो उसमें क्या लिखा होगा, advertisement करो या फिर circular करो, उसमें advertisement में क्या क्या बातें लिखी होगी, यहाँ पर आपको कुछ बातें लिखी हैं। तो क्या लिखा है? Statement about the financial position. कंपनी, जो कंपनी डिपॉजिट से पैसा लेने वाली है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी की हालत कैसी है फाइनेंशियली, वो मेंशन करना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट में। ऐसा तो नहीं कि कंपनी डूबने वाली है और इसलिए लोन ले रही है, तो ये बात नहीं होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, पोर्शन ऑफ सिक्योर और अनसिक्योर्ड, मतलब कितना पोर्शन आपका सिक्योर्ड होगा और कितना आपका अनसिक्योर्ड डिपॉजिट आपके पास है, ये बातें क्लियर रखनी पड़ेगी एडवर्टाइजमेंट में। थर्ड पॉइंट है क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग आपको पहले भी बता चुका हूं मैं, कुछ एजेंसी से आपको रेटिंग मिलती है, वो रेटिंग आपको उसमें मेंशन करना होगा, वो रेटिंग एडवर्टाइजमेंट में दिखाना होगा, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? डिटेल ऑफ द स्कीम, पूरी डिटेल, डिपॉजिट की क्या डिटेल है, मतलब स्कीम क्या है, कितना ब्याज मिलेगा, कितने टाइम पीरियड के लिए होगा, कब रिन्यूअल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन, इसका मतलब पूरी स्कीम में आपको एडवर्टाइजमेंट में शो करना पड़ेगा। नेम ऑफ द डिपॉजिट ट्रस्टी, इसमें भी ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट होता है, जैसे डिबेंचर में हमने पढ़ा था डिबेंचर ट्रस्टी, ठीक है, और इसीलिए इसमें भी हमें कुछ ना कुछ डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट करने पड़ेंगे जो डिपॉजिटर होल्डर की हित के बारे में सोचे इसीलिए। और अमाउंट ड्यू टू वर्ड डिपॉजिट ऑफ एनी प्रीवियस डिपॉजिट, पहला पिछले जो डिपॉजिट के पैसे लिए होंगे उसमें कुछ अमाउंट ड्यू बचा है क्या, वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। मतलब ये सब बातें मेंशन करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो लोग पैसा देना चाहते हैं लोन के रूप में कंपनी को, उनको कंपनी के बारे में पता तो होना चाहिए कि कंपनी की कंडीशन क्या है, कंपनी के पास कितना डिपॉजिट का पैसा है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्रेडिट रेटिंग क्या है, ये सारी बातें उनको पता होनी चाहिए, तब तो पैसा देंगे। नहीं तो आग बंद करके कोई भी कंपनी में पैसा कोई लगाता है क्या? बिल्कुल भी नहीं लगाता है। तो ये बातें एनालिसिस करना बड़ा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? फाइलिंग ऑफ सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट विद आरओसी, इसकी एक कॉपी आपको आरओसी में जमा करनी पड़ेगी। किसकी कॉपी? एडवर्टाइजमेंट की कॉपी भाई, और कुछ नहीं। और साथ में नेक्स्ट पॉइंट आता है इश्यू ऑफ सर्कुलर ऑफ एडवर्टाइजमेंट ओनली आफ्टर 30 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट विद आरओसी कंपनी कैन इश्यू सर्कुलर। मतलब 30 दिन के बाद आपको, जब तक आप आरओसी में जमा नहीं करते, ठीक है, आफ्टर 30 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ कॉपी ऑफ सर्कुलर, तब आप एडवर्टाइजमेंट इशू कर सकते हो। मतलब पहले आरओसी को दो, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट करो, उसके पहले आप एडवर्टाइजमेंट मार्केट में नहीं कर सकते, ये बात बोली जा रही है सी पॉइंट में। एंड कंपनी कैन सेंड द सर्कुलर टू ऑल मेंबर, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट,
मतलब ईमेल के थ्रू, जैसे भी भेजना चाहे सर्कुलर अपने मेंबर्स को भेजा जा सकता है। तो ये बात थी, वहाँ पे इसी पॉइंट पे लिखा है, मतलब आपको सबको इन्फॉर्म करना है। न्यूज़पेपर में भी आपको एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा। न्यूज़पेपर में एक लीडिंग न्यूज़पेपर होता है जो फेमस न्यूज़पेपर है वो, और एक नॉर्मल रीजनल लैंग्वेज जो वहाँ पे उस पर्टिकुलर स्टेट में चलता होगा उसमें, मतलब एक इंग्लिश में और एक रीजनल लैंग्वेज में, जैसे महाराष्ट्र में मराठी है, हिंदी भी चलती है, तो उन दोनों में आपको एडवर्टाइजमेंट देना होगा। वैलिडिटी कितनी होगी एडवर्टाइजमेंट की? इट इज़ वैलिड फॉर 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जब से आपने इशू किया होगा उसके 6 महीने तक उसकी वैलिडिटी होगी, और या फिर बोल सकते हैं विच इज इशू द डेट विच वॉज एनुअल जनरल मीटिंग वॉज हेल्ड विच एवर इज अर्लियर। मतलब वहां पर क्या बोला जा रहा है, जो भी पहले आ जाए इशू करने का, मतलब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाए और आपकी एनुअल जनरल मीटिंग हो जाए, उसके पहले जो भी टाइम पीरियड आ जाएगा उसके, उस टाइम पीरियड को वैलिडिटी माना जा रहा है। ठीक है, ये था आपका डी पॉइंट ओवरऑल, और डी पॉइंट तक ही हम आज कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको कंटिन्यू इसके पॉइंट मिलेंगे। तो इसमें हमने सिर्फ 8 पॉइंट कवर किए, 10 पॉइंट नहीं कवर कर पा रहे हैं, 8 पॉइंट कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा इसका कंटिन्यू मिल जाएगा। चैनल पे बने रहिए, लाइक और शेयर तो बनता ही है भाई, तो कर दीजिए लाइक और शेयर, और बाकी स्टूडेंट को भी शेयर करने के लिए आप लोग थोड़ा सा कहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।